खून में जमी मैल को साफ करने का तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपके ब्लॉकेज आने लग गई है, आपके सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लग, कुछ कदम चलने पे ही हाफने लगते हो, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और उसको कैसे सही करना, ये तरीके से आपने बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये हरा हरा जूस जो आप देख रहे हो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में, आपके ब्लॉकेज को साफ करने, आपकी नसों को साफ करने में। और इसमें देखिए डालना क्या क्या है, ये जूस जो है आपके सांस फूलने की दिक्कत खत्म कर देगा। और इसको पीना कितने दिन है, एक महीने के आसपास पीने से आपको पता चल जाएगा अगर आपके सांस फूलना रुक जाए। टेस्ट करने का तरीका क्या रहेगा कि आप सीढ़ियां चढ़ के टेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने घर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ रहे हो, आपकी सांस नहीं फूल रही है, बच्चे की तरह चले जा रहे हो, तो आप मान लेना कि आपका शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल साफ होने लगा। फिर आप चाहो तो रिपोर्ट भी करा सकते हो। अब इसमें डालना क्या क्या दिखा, कई सारे मिथ्स हैं जो लोगों को लग रहा है कि यार ये वाली लौकी लेनी है, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो चेक करने का एक आसान तरीका बता दूं। ये देखिए जो लौकी है, अगर इसमें आपका नाखून इस तरीके से घुस जा रहा है तो आप मान लीजिए कि ये लौकी ठीक है, आप ये हेल्दी लौकी इसे खा सकते हो। क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है, ये एरिया जो बहुत सख्त हो जाता है तो उसमें नाखून घुसता नहीं है। दूसरी चीज, लौकी जब भी आप खाने जा रहे हो तो उसको काट के टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि कड़वी लौकी अगर आपने खाई, कड़वी लौकी अगर खा ली तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले खा के टेस्ट करना है कि अगर लौकी कड़वी नहीं है, मीठी लौकी है, तो फिर आपने इसका जूस बनाना है। अगर कड़वी लौकी है तो नहीं बनाना, क्योंकि कड़वी लौकी आपको नुकसान कर सकती है, पेट खराब कर सकती है, डायरिया जैसी कंडीशन पैदा कर सकती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जो अंदर बीज है वो हटा देने हैं। फिर उसको आपने अच्छे से कूट लेना है, कूट भी सकते हो आप, या अगर आपके पास मिक्सर है, कोई जूसर है, तो उससे जूस भी निकाल सकते हो। उसको निकालने के बाद छान के आपने, अपने छानने के बाद अलग से डाल लेना। फिर क्या करना है, आपने कुछ लेने हैं धनिया के पत्ते इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कूट लेना है आपने अच्छे से अपने हाथ से। और उस धनिया के पत्ते लेने हैं, कुछ लेने हैं पुदीने के पत्ते इस तरीके से, हरे हरे पत्ते, और कुछ लेने हैं आपने तुलसी के पत्ते। ये क्या करेंगे, ये आपके डाइजेशन को और अच्छा कर देंगे, आपके इसको कोलेस्ट्रॉल को पचाने में और अच्छी मदद कर देंगे, और लीवर को साफ करने में मदद कर देंगे। पुदीना और जो धनिया है, ये जैसे हम गर्मियां आएंगे तो गन्ने के जूस में खाएंगे, तो ये बहुत अच्छा लीवर को साफ करता है। ये भी अगर आपने इसमें डाल लिया तो ये हो जाएगा सोने पर सुहागा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको आपने कूट के, इस तरीके से कूट के, फिर इसमें थोड़ा सा उसमें छान लेना है, और इस तरीके से आपका जो है वो जूस, उसको आपने सुबह खाली पेट या खाने के बाद, आप नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हो इस तरीके से। फिर आपने इसको क्या करना है, इसमें छान लेना है, और छान के जो जूस तैयार हो गया, आप अगर खाली पेट पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, नहीं तो आप इसको सुबह नाश्ते के एक घंटे बाद भी ले सकते हो। एक महीने बाद आप अपना टेस्ट करा के देख सकते हो कि आपको कितना फायदा किया। ये देखिए, ये अब ये आपने खाली पेट पी लेना है, इसमें कुछ और डालना नहीं है। कई लोग क्या टेस्ट के लिए नमक और दूसरी चीजें डालते हैं, वो इसमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि इसका टेस्ट अपने आप में ही बढ़िया हो जाएगा। यही आपने पीना है, और मजे ले लेके आप अपना कोलेस्ट्रॉल साफ कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप हमसे ले सकते हो। धन्यवाद। और टेलीग्राम पे आज मैं 5 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो वहाँ पे ही मिलते हैं आपसे, जहाँ आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।